हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रद्धा मनीष त्रिपाठी और आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को राम राम। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे अपने घर में अपने फैमिली के साथ। तो रोज की तरह मैं काम ख़त्म करके आ गई हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, 11 बज रहे हैं और आद्या सो नहीं रही है, इनको सुला दें फिर उसके बाद काम शुरू हो। मतलब सोना है, सुबह से उठने का टेंशन रहता है। मेरे साथ मेरी ज़िंदगी ऐसी बीत रही है और भागते दौड़ते। पर मेरी बिटिया आज सो नहीं रही है। शाम को मैं आई हूँ तो इनको सुला दी थी, क्योंकि पूरे दिन हो जाता है फिर बिना खाना खाए सो जाती है। और मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मैं आज ब्लॉग भी मतलब आई हूँ ब्लॉग बनाने, क्योंकि कल मेरे घर में एक फंक्शन था। मेरे भतीजे का मुंडन था, मेरे जेठ जी के बेटे का। तो हम लोग गए थे, हम लोग यहाँ गोरखपुर में प्राचीन मतलब मंदिर है गोरखनाथ जी का, वहीं पर मुंडन संस्कार था उसका। और सब बहुत अच्छा था। मैं तो खुद से घर से रेडी होके गई थी, मतलब ठीक था। प्रॉमिस करके गई थी खुद से कि कुछ भी हो जाए रोऊंगी नहीं, कुछ भी हो जाए कैसा भी हो जाए, और वीडियो शूट करूँगी, ब्लॉगिंग करूँगी, ब्लॉग्स बनाऊँगी, आप लोगों को भी दिखाऊँगी। लेकिन वहाँ से यहाँ से जाने के बाद मैं वहाँ गई, और वहाँ जाने के बाद मैं ऐसी हो गई थी कि मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं। ना मैंने एक पिक्चर ली, ना कोई शूट किया, बस मैं एक कोने बैठ मतलब मैं बैठ गई और मैं नॉन स्टॉप मेरे आंसू निकल रहे थे और मैं नहीं जा रही थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था अंदर से कि इतने सारे लोग हैं, मेहमान हैं, आ रहे हैं, तो मैं मेरी ये हालत हो गई थी कि मैं किसी की तरफ देख नहीं रही थी और मैं चाह रही थी कि मैं नहीं रहूं, मैं बिल्कुल नहीं रहूं, क्योंकि सबके सामने रोना ऐसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे और मुझे एक चीज़ अपने हस्बैंड की याद आ रही थी। जिस तरह से मैं साड़ी पहन के तैयार हुई, मेरे हस्बैंड होते तो ज़रूर वो बहुत खुश होते। और मतलब पता है उस टाइम पे मैं अपने आप को इतना अकेला महसूस कर रही थी ना, इतना अकेला। मैं एकदम अकेली बैठी थी, लोग थे, मतलब लोग दीदी लोग भाभी लोग मुझे पूरा बोल रही थी श्रद्धा मेरे पास आओ ये बैठो, लेकिन मैं मुझे ऐसा लगता था कि संसार में ना इस पूरे संसार में कोई नहीं है मेरा। और सच में मुझे ऐसे ही लग रहा था, सब थे, सबके इतने लोग थे आने वाले जाने वाले, लेकिन मैं अकेली, मेरा तो जीवन साथी नहीं। ये बहुत मतलब मेरे हस्बैंड के जाने के बाद से पहला फंक्शन था इस घर में। और वैसे भी अब मैं इसीलिए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहती, किसी फंक्शन में घर का इतना फंक्शन था, जाना ज़रूरी था, मुझे भी था कि बच्चा है जाऊँ। मेरी दुआएं उसके साथ हमेशा है कि भगवान उसको हमेशा खुश रखिएगा, जीवन में बहुत तरक्की दीजिएगा, दीर्घायु करिएगा। लेकिन बहुत अकेला फील होता है यार, बहुत अकेला फील होता है, बहुत बहुत बदनसीब होती हैं, मतलब तो बहुत बदनसीब हूँ मैं। और हर वो औरत जिसका जीवन साथी चला गया इस दुनिया से, बहुत बदनसीब औरत होती है। लाख कपड़े पहन लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आप फिर भी एकदम अकेले हो, कुछ नहीं हो, अब कुछ भी नहीं हो। अब उस वक्त फील होता है, एक एक चीज फील होती है कि आप सबके बीच में रह के किस तरह अकेले होते हो। अगर एक आध क्लिप है कुछ, अगर मैं हो सकेगा तो मैं दिखाऊंगी डालूंगी, पर मैं उस कंडीशन में नहीं थी कि मैं एक भी वीडियो शूट कर सकूं या एक भी पिक्चर्स ले सकूं। बहुत अच्छा था सब कुछ, कार्यक्रम बहुत अच्छा था, लेकिन क्या हालत कर दी हो भगवान, मैं क्या बताऊं, मेरे पास वो शब्द नहीं है कि किस तरह से अपने जीवन साथी के जाने के बाद आप एकदम अकेले हो, कुछ नहीं हो, आप कुछ भी नहीं। लोग कह देते हैं
रो नहीं, लेकिन रोता नहीं है कोई मुझे, मैं क्या बताऊं, मेरे कैसे आंसू, अपने मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मैं बहुत कोशिश कर रही थी, कितने लोग हैं, नहीं रोना चाहिए, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन फर्क है। बहुत कुछ सोची थी कि ब्लॉग बनाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी, पर नहीं हो पाया, हो ही नहीं पाया, हिम्मत ही नहीं हुई कि कर पाऊँ। इस स्थिति में थी ही नहीं कि मैं वीडियो शूट कर सकूँ। मैंने तो ये भी सोचा था कि मैं लाइव आऊँगी और लाइव ही मैं आप लोगों से बात करूँगी। बहुत कुछ सोच के गई थी घर से, लेकिन जैसे ही मैं अपने हस्बैंड के सामने आई, उनकी पिक तैयार होने के बाद, फिर उसके बाद मैं खुद को बहुत रोक रही थी, मॉर्निंग से ही रोक रही थी, कुछ भी कर लूँगी, रोना नहीं है, रोना नहीं है, लेकिन नहीं होती चीज़ें, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। बस लोग सांत्वना ही दे सकते हैं कि हमारा भी सब गया है। नहीं, जो दर्द होता है वो सिर्फ बीवी को होता है, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ जिसका अपना जाता है उसको दर्द होता है। अब बिना दर्द के आप रो नहीं सकते, आपके आंसू आएंगे ही नहीं। जब आप नहीं रोना चाह रहे हो, आपको, आप सबके सामने अपने आप को इस तरह दिखाना ही नहीं चाह रहे हो कि हमको रो रहे हैं, और फिर भी आंसू नहीं रुक रहा है, तो आप बहुत दर्द में हो, आप बहुत तकलीफ में होते हो। सर, ये सब क्यों नीचे गिरा दिए हो? पर खैर, मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। मैं कोई शूट नहीं कर पाई, इसके लिए मुझे बहुत दुख है, बहुत दुख है। कुछ है कुछ, मेरी बेटी ने शूट किया, मैं वो डालूंगी, देख के बताइएगा। और बाकी क्या कहूँ मैं, वो ये मैं और मेरी बेटी, हम लोग जा रहे थे जहाँ फंक्शन होने वाला था, वहाँ पर दियादिया पता नहीं किस बात पे मुँह फुलाई थी, तो मैं उसको मना रही थी क्योंकि वो भी अपने पापा को बहुत याद करती है, और मैं तो अलग ही दुख, मतलब मुझे अलग से ही फील हो रहा था, बहुत अकेला फील कर रही थी, कि फिर भी मैं खुश होने की कोशिश कर रही थी बहुत ज़्यादा। और मेरी बेटी ने देव का वीडियो शूट किया, उसको मोबाइल चाहिए था क्योंकि मुंडन का शूट करना है, तो वो लेके गई और वीडियो शूट की। मुझे अच्छा लगा कि जो काम मैं नहीं कर पाई मेरी बेटी कर रही है, लेकिन वो इतना रो रहे थे ना, हद से ज़्यादा, मतलब इतना रो रहा था कि पकड़ना पड़ा, दीदी ने इसको ज़ोर से पकड़ लिया, भाभी पकड़ी, और तो उनका मुंडन हुआ। मेरी आद्या का भी सेम कंडीशन था, वो भी मतलब उनको देख मुझे अपने आद्या की याद आ रही थी बचपन की। लेकिन भोलेनाथ देव के जीवन में बहुत खुशियाँ लाए, हमेशा खुश रहे, आगे बढ़े, दीर्घायु रहे, यही मेरी उनसे प्रार्थना है। मैं उस दिन किसी से कुछ बोल नहीं पाई, किसी से कुछ कह नहीं पाई, लेकिन मेरी यही प्रार्थना है कि भगवान उसके जीवन में बहुत खुशियाँ लाए, क्योंकि ये सब बहुत सौभाग्यशाली लोग के जीवन में ऐसे दिन आते हैं। और बस भगवान उसको बहुत लंबी उम्र दें। और मेरी आद्या को आप लोग देख सकते हैं, डांस कर रही थी, खुश थी। जब वो खुश रहती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग बताइएगा कैसा रहा मेरा।